हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अमित। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे गेटएक्स में लोकलाइजेशन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेटएक्स। ओके, तो मेरी जो पिछली तीन वीडियो है गेटएक्स की इंटीग्रेशन और गेटएक्स रूट्स और गेट विडल, अगर आपने अभी तक मेरे नहीं देखी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने वेबसाइट में भी डाल रखा, अगर आपको कोड चाहिए तो आप यहाँ पर जाके कोड को गेट कर सकते हैं गेटएक्स की। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपको यहाँ पे आर्टिकल भी मिल जाएगा गेटएक्स से, इससे रिलेटेड जो करंटली वीडियो चल रही है, और आपको कोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको वीडियो को पॉज करके कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो किसी भी अगर ऐप की बात करें, अगर आप कोई एक बाहर कंपनी के लिए ऐप बनाती है या फिर इंडिया में ही अगर बात करें तो इंडिया में ऐप बनाते हो, तो मोस्टली अगर यूजर्स की बात करें तो उनको चाहिए कि उनकी जो ऐप है, ठीक है, आपकी जो ऐप है जो यू यूज़ करें उनकी नेटिव लैंग्वेज में भी चलनी चाहिए, यानी लेटिन में हिंदी होगी उनकी, पंजाबी होगी या फिर उर्दू होगी, ऐसी इस लैंग्वेज में चलनी चाहिए ताकि उनको ईजिली वो रीड आउट कर सके, ठीक है। तो उस सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम करते हैं, हमारे जाते हैं लीव फोल्डर में और इसमें है हमारी ऐप, ठीक है। और यहाँ पे लीव फोल्डर में एक मेरा मेन वाला बना हुआ है और मेरी एक ऐप की बनी हुई है, ठीक है। मैं लीव फोल्डर के अंदर ऐप के अंदर डाला, मैं बाहर ही रख रहा हूँ, ठीक है। एक मैं बना देता हूँ नया फोल्डर, लैंग के हिसाब से बनाता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। इस लैंग के अंदर और अभी आपको करना क्या है, बनाना है आपको एक फाइल, ठीक है। अब यहाँ पर नाम ले देता हूँ मैं लैंग्वेजेस के नाम से फाइल बना देता हूँ, ठीक है। अब इस लैंग्वेजेस फाइल के अंदर क्या होगा, आपको एक बनानी पड़ेगी क्लास, ठीक है। क्लास बना देते हम एक लोकल स्ट्रिंग के नाम से, मैं अभी नाम सिर्फ लोकल स्ट्रिंग के नाम से रख रहा हूँ, आप कुछ भी नाम इसमें चेंज दे सकते हैं बाद में। और यहाँ पर आपको एक्सटेंड करना होगा ट्रांसलेशन को, ये देखिए, ठीक है। और ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है रूट मैनेजमेंट भी देता है, बाकी जो गेटएक्स गेट नेविगेशन भी देता है, यहाँ पे आपके गेट नेविगेशन का इंटरसेक्शन वाला भी देता है रूट वाला, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, गेट वाला ही यूज़ करना है तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं हम बंद। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको क्या चाहिए, एक मिसिंग ओवरहेड चाहिए, जो कि ये जो ट्रांसलेशन है वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और ये मांगता है एक ओवरराइड वाला, जो कि इस चीज़ को हमें ओवरराइड करना पड़ेगा कीज वाली को, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं फैट एरर को, और इसकी जगह पे हम कर देते हैं हमारी बॉडी। और दोस्तों इस बॉडी में क्या आएगा, ठीक है, ये सिंपल है, ये आपका फिक्स रहेगा, ठीक है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अभी आपको नाम देना पड़ेगा, सपोज मैं अभी ना नाम देता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश चाहिए, और इंग्लिश कहाँ का है, ये US का, मैंने प्रॉपर एक नाम दे दिया है, आप कुछ और नाम भी दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरी इंग्लिश वाली चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देता हूँ एक हेलो, ये मेरी की होगी, और मेरी ये होगी वैल्यू, यानी कि ये चीज़ मेरी वैल्यू की। एक इसको और डिफाइन करने के लिए आपको एक दे देता हूँ, सपोज यहाँ पे मेरा क्या चलेगा, यहाँ पे मेरा नेम इसका, और यहाँ पे नेम, ठीक है, ये लगा दिया मैंने। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों के दोनों मेरे सेम से क्यों लग रहे हैं, अभी आपको पता था, क्योंकि ये जो ये हमारी बॉडी बनी हुई है, और यहाँ पे की वैल्यू में डाटा सेव हो रहा है, ये हमारी की है और ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। इसको करता हूँ बस कॉपी, ठीक है, इसको हमने करनी है सिर्फ कॉपी, और इसको जस्ट हमने करना है पेस्ट, क्योंकि इसी बॉडी के अंदर ही हमें आपको इसको पेस्ट करना पड़ेगा, ताकि क्या हो उसका, ये आपने ये करना है और इसको पेस्ट करना है, और यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, नाम ही इसका चेंज करना है, ठीक है। वे अभी मैंने EN यानी इंग्लिश लिखा था, तो यहाँ पे मैं करता हूँ HI जो कि हमारा हिंदी होएगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IN जो कि हमारा होगा इंडिया का, क्योंकि एक हो गया हमारा कि इसे पता चल गया कि हमारी लैंग्वेज कौन सी है ये, और ये हमारी कंट्री कौन सी है, उसके बारे में इसने बता दिया, ठीक है। और ये हमारी की, और यहाँ हमें वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हेलो है, ठीक है। अब जब भी हम किसी पेज में हम इस चीज़ को कॉल करेंगे, अभी मैं आपको शो करा देता हूँ, कॉल करने के लिए आपको क्या करना, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। आपने यहाँ पे मैं सिंपल जो मेरी ऐप है विद RX वाली, ठीक है, वहाँ पे ले जाता हूँ सबसे पहले, तो आपको मैं
ये मेरी है ठीक है, विद आरक्ष। इसका भी नाम मैं इसको भी इसको ही लगा देता हूँ ताकि इजीली आपको आइडेंटिफाई हो पाए कि ये कर क्या रहा है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये, और इसको भी मैं कर देता हूँ ये, यहाँ पे लगा देता हूँ ये ठीक है। अभी मैं इसको हेलो ही रख रहा हूँ, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें डिफरेंस नज़र आ जाए ठीक है। ये विदाउट आर एक्स है, इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये ठीक है हिंदी वाला। ये मेरी की सेम रखी है और मेरी वैल्यू ही चेंज हुई है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जाके क्या करना है, ये चीज़ मेरी हो गई है ठीक है। अब ये हो गई मेरी टेक्स्ट की, और मैं यहाँ से इस चीज़ को अभी के लिए हटा देता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ भी। आपको ध्यान रखें, आपको लगाना पड़ेगा टी आर जब भी आप गेट एक्स के साथ ट्रांसलेशन करोगे। आर का मतलब ये है ट्रांसलेशन करना है इस हमारे स्ट्रिंग को। ये हमारी गई, ये भी हटानी पड़ेगी हमें, और यहाँ से इसको भी हटाना पड़ेगा। प्रॉपर जो की है की को ही वो लिसन करेगा। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो आपने जो लगा रखे थे पहले मैंने, वो भी अगर आपने लगाने हैं तो यहाँ पे जाके इसको एड ऑन कर सकते हो ऐसे करके, बट अभी के लिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। ध्यान रखें स्पेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो एज इट इज़ यहाँ पे स्पेस नहीं होने चाहिए। आगे पीछे अगर आपने रखना था तो ऐसे करके रख सकते हो, लेकिन जब आप इसको यहाँ पे कॉल करोगे यहाँ पे भी आपको स्पेस देना पड़ेगा ऐसे करके ठीक है। तो अभी के लिए मैं नहीं रख रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो ये चीज़ मेरी हो गई ठीक है, यहाँ पे किया और मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर दिया। अब इतने से काम नहीं चलेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मेन में भी चेंजेस करनी पड़ेगी। मेन ऐप है क्योंकि पता तो चलना चाहिए कि आपने यहाँ पे ट्रांसलेशन यूज किया है, लैंग्वेज वाला आपने यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारी गेट मेटेरियल ऐप है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा एक हमारी पिन देगी लोकल वाली की मिल जाएगी। इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इसको कॉल करना है। लोकल मैंने कॉल किया, और यहाँ पे सबसे पहले आप कौन सी लैंग्वेज को चलाना चाहते हो। मैंने EN लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कंट्री का नाम ठीक है। ये मेरी एक होगी, और अब एक और चीज़ है ठीक। ये तो हमारी होगी इनिशियल कैसे चलेगी हमारी ऐप, कौन सी लैंग्वेज को ये अडेप्ट करेगी। और सेकंड चीज़ यहाँ पे है कि ये इसको पता चल जाएगा हमारी ट्रांसलेशन फाइल कौन सी उसमें लगेगी। तो ट्रांसलेशन वाली एक और की मिल जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जाके आपने कुछ नहीं करना, आपने जो एक फाइल बनाई थी लोकल स्ट्रिंग वाली ठीक है, ये आपको दिखा देता हूँ ये वाली फाइल ठीक है। इस क्लास को हमने बस कॉल करना है यहाँ पे, और या ओके ये चीज़ होगी हमारी यहाँ पे। अब इसको मैं कर देता हूँ रिस्टार्ट, दोबारा ही ऑन कर देता हूँ ठीक है। अब यहाँ पे सीखेंगे बटन का भी यूज़ कैसे करना है, कंट्रोलर में कैसे चेंज करना ठीक है। ये आ गई विद और विदाउट RX। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे जाके, एक तो विद और विदाउट RX को कॉपी करते हैं ज़रा इसको, और इसको करते हैं ट्रांसलेट हिंदी RX के साथ ठीक है। इसको जाते हैं यहाँ पे और इसको करते हैं पेस्ट, बिना RX के ओके गुड। अब यहाँ पे जाके इस पे, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमारा मैं IN में ही इसको कन्वर्ट कर देता हूँ या कि ओ सॉरी हिंदी में, और यहाँ पे मैं जो मेरा कंट्री था उसको अडेप्ट कर देता हूँ। अब इसको कर देते हैं रिस्टार्ट, ये देखिए ठीक है, ये हो गया चेंज। क्योंकि शुरू में हमने क्या लिया था, हमने पहले इंग्लिश लिया था तो इंग्लिश में चेंज, अब हिंदी लिया तो हिंदी में चेंज। ये जो मैंने गेट मेटल ऐप के अंदर रखा है ये शुरू में ही इनिशियल ही चेंज होगा। अब हम इसको करते हैं कंट्रोलर के साथ कि कंट्रोलर इसको कैसे चेंज कर सकते हैं ठीक है। बटन के साथ हम यहाँ पे बटन लगा देंगे और इसको चेंज करने के लिए बोलेंगे कि हाँ भाई चेंज कर दें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे होम व्यू व्यू है, गो टू टेस्ट स्क्रीन, इसको हम थोड़ा हटा के ठीक है विद RX, इसको भी हम अभी के लिए कमेंट आउट करते हैं जो कि हमारा नीचे आला था ठीक है।
और यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन, और यहाँ पे हमारा एक और बटन था, इसको भी हम इसको करते हैं कमेंट आउट। ठीक है, अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इसका रीज़न क्या होगा मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, इसको करता हूँ पेस्ट दोबारा, और यहाँ पे बस मैंने नाम चेंज करना चाहूँगा, तो एक ही हो गया। और वेट या इसको तो स्टैप पर भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए इजीली, पहले मैंने सोचा कि डबल डबल करके ही लिख दूँ कि पॉपअप मेनू खुला के, बट आई थिंक अभी के लिए ये, क्योंकि ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा लंबा करेंगे तो यार बोर हो जाता हूँ, मैं खुद ही बोर हो जाता हूँ, तो दैट्स वाई। अगर ये फ़ॉन्ट साइज अगर सही लग रहा है जो हमारी स्क्रीन में दिख रहा है तो बता देना यार, क्योंकि पिछली जो मैंने वीडियो डाली उसके फ़ॉन्ट साइज बहुत छोटा था, इसलिए मेरे पे एक सजेशन आए थे कि थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देना, तो मैंने फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दिया है ताकि इजीली आप रीड आउट कर सको। अब यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, क्या करना है मेरे को, ये हिंदी में ही कन्वर्ट चाहिए, और ये मेरे को किस में चाहिए, ये मेरे को चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में हो गया और ये हमारा हो गया इंग्लिश में। दोस्तों अब देखते हैं हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं कंट्रोलर के जरिए, बटन में क्लिक के जरिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी मैं हटा देता हूँ जो मेरा ऑन क्लिक था। ठीक है, दोनों को मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे चेंज लैंग्वेज के नाम से, दोस्त इन लैंग्वेज नाम से मैंने बना दिया है। और यहाँ पे हम बस आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ गेट को कॉल करना है जो कि आपका गेट एक्स का ही है, और यहाँ पे इसका फंक्शन है एक है अपडेट का, ठीक है, अपडेट लोकल का। ठीक है, बस इसको कॉल करना है, बस कुछ नहीं करना और ज़्यादा आपने। और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ इसकी लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज पास कर देता हूँ कि लैंग्वेज ने कौन सी रखनी है जो कि हमारी रिक्वायर्ड, मैं इसको कर देता हूँ जो कि हमारे हो गए स्ट्रिंग टाइप के। अब जो कि ये जो लैंग्वेज आएगी वो पीछे से ही मैं सेंड करूँगा इस चीज़ को। अब देखते हैं सबसे पहले तो बोल क्या रहा है, या हाँ पहले तो आपको ये लिखना पड़ा कि क्या है लोकल और ओके 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 या ये लैंग्वेज वाला हो गया, और एक और चीज़ हमारी कंट्री वाला, कंट्री कोड ये हमारे में शुरू में आ गया हमारी लैंग्वेज, और हमारे बाद में आ गया हमारी कंट्री कोड। आई थिंक गेटिंग सम इशू लोकल एल, ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है, इसको कर देते हैं अभी या ठीक है, ये हो गया हमारा शुरू, क्योंकि आप अपडेट लोकल के अंदर आपको एक लोकल कॉल करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको सेट करना पड़ेगा ये चीज़, बस कुछ नहीं करना, बस आपने इसको कॉल करना है हमारी जहाँ से आप बटन पे क्लिक पे करा रहे हो। तो अब करते हैं कंट्रोलर को कॉल, जो कि हमारा है होम पेज कंट्रोलर डॉट ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, लैंग और हमारी है कंट्री कोड। सबसे पहले क्या है हमारा, ये है हिंदी पे हम करेंगे, दिस इज़ फॉर हिंदी, तो पहले कमेंट ही लिख देते हैं कि ईजिली फाइंड आउट हो जाता है कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो, तो इसकी आदत डाल लेना कमेंट और करने की, ताकि अगला अगर आप अगला जो डेल पर अगर आपका कोड पड़े तो उसको ईजिली समझ में आए, ये नहीं कि भाई आपने कोड किया तो आपको ही समझ आए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि हाँ भाई मैंने किया तो मेरे को ही समझ में आएगा, ठीक है, वो चीज़ मत करना कभी भी,
क्योंकि ये आपके लिए ही नुकसान होगा, क्योंकि जितने भी आप एज एक्सपीरियंस गेन करोगे जब पहले से अगर ये हैबिट लगाओगे तो ये आपके लिए ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद रह जाएगी। अब हमारा हो गया हिंदी का, ओके इंग्लिश डाल दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, हिंदी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ये हमारी इंग्लिश का है तो आई एन और सेट आउट द कंट्री, ओके निकल दिया। अब इसका हम रिस्टार्ट ही कर देते हैं एक बार, पहले हमारी हिंदी में थी तो पहले इसको ही मैं कन्वर्ट कर देता हूँ थोड़ा इंग्लिश में, क्योंकि मोस्टली अगर लैंग्वेज की बात करें तो मोस्टली वो इंग्लिश में ही होती है शुरू में जब भी ऐप ओपन होती है, कोई कोई होती है हिंदी में होती है। अब ठीक है, अब करते हैं क्लिक, ये देखिए इंग्लिश हिंदी हिंदी इंग्लिश, ये होगी हमारी चेंज। ठीक है, अगर जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पे अभी तक मेरी पोस्ट डली नहीं है, तो जब तक वीडियो देख रहे हो ना यहाँ पे आपको मिल जाएगी पोस्ट, ये पूरी की पूरी कोड के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी चौथे पार्ट के साथ। ठीक है, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ना एक ईमेल वैलिडेशन का करके ना लॉगिन पूरा फॉर्म पेज बनाएंगे हम और इसको वैलिडेट करेंगे कंट्रोलर के साथ हम गैटेक्स के साथ। ठीक है, तो अभी तक अगर वीडियो से कुछ सीखने वाले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।